जदयू के हमारे बड़े भाई विशाल जी, हमारे बड़े भाई जदयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष और संख्या मोर्चा के आदरणीय जनजीवन सिंह बहदुर जी, हमारे बीच में उपस्थित वार्ड पार्षद शारदा जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे विधानसभा चुनाव के संयोजक जितेंद्र भैया, इस मंडल के अपने अध्यक्ष नीरज भारती जी, मेरे दोनों महामंत्री पिछड़ों के बच्चे फिर से पलायन टेक्सटाइल के सेक्टर में, जहाँ तमिलनाडु त्रिशूर एक ऐसी जगह जहाँ गार्मेंट्स का हब, और इस तरह सारे जो रोजगार दिए गए थे 5 वर्ष के अंदर सारे निवेशक फिर झारखंड से भागे। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितने झूठे वादे करके जनता को गुमराह कर झारखंड की जनता से मत लेकर सत्ता बनाई, लेकिन सत्ता आने के बाद ही सारे वादे को गठबंधन की सरकार झारखंड में भेज दी। यही वादे यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अपनी घोषणा पत्र में कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम किसान का ऋण माफ करेंगे। अब इनसे पूछो कांग्रेसी लोग से कि आपने झारखंड में भी यही श्रीमान राहुल गांधी जी झारखंड में सभा किए थे कि हमारे सरकार आने के बाद 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ कर। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर नियुक्ति शुरू करेंगे और 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। झारखंड आपके बगल राज में आपका संबंधी भी होंगे, मेरी बात पर अगर आप विश्वास नहीं करें तो आप अपने जितने भी सगे संबंधी झारखंड में रहते हैं उनसे फोन करके आप पूछ सकते हैं कि झारखंड में आज किस तरह की सरकार झारखंड में चल रही है। तो मैं सिर्फ आपसे सावधान करने आया हूं, ये जो बड़े बड़े वादे, जो वादों की बौछार ये कांग्रेस आरजेडी के लोग छोड़ रहे हैं, उसके बाद भाव में आप नहीं आएगा, अन्यथा 5 साल तक आपको पछताना है। जैसे झारखंड की जनता 10 महीने नहीं पछता रहे, आप गांव हो चाहे शहर, कहीं भी आप फोन करके जनता से पूछिए तो बोलता है हम लोग से गलती हो, हम लोग बहकावे में आ गए। तो मैं विशेषकर युवा शक्ति से अनुरोध करूंगा और आप सभी व्यापारी गण से भी कि इनके झांसे में आप नहीं, क्योंकि चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी, किसी भी राज्य का आम बाण और शान तेजी से जाओ देख रहे हैं। दोनों भाई रेल में, बहन भी रेल में, बाप जेल, और जेल में तो स्वतंत्र आंदोलन में नहीं गए, अभी घोटाला किसका, जिस गाय को हम गांव मानते हैं। अभी दिवाली आ रहा है, जदुवंशी यदुवंशी हिंदू समाज गाय को माता मानता है, उस गाय के चारा को भी एक परिवार ने नहीं छोड़ा, जिसको आप कह रहे थे चारा छोड़ा। अब ऐसे लोग कि आपके बिहार जानी चाहिए बता दिया, तो यहां होने से नहीं होगा, अपने अपने गली मोहल्ले में हर लोग को जागरूक करना। उसी तरह कांग्रेस देखो, ये जेल बेल वाले लोग का बेमतलब गठबंधन है, क्या गठबंधन है, जेल बेल का बेमतलब गठबंधन प्यार को फिर से भ्रष्टाचार लूट और प्यार में आदरता पैदा करने। सोनिया गांधी किसमें है, बेल में कि जेल में, राहुल गांधी जेल में कि बेल में, उधर भी मां बेटा जेल में, इधर भी दोनों भाई बहन जेल में, पिताजी जेल में, ये बिल जेल वाले लोग का बेमतलब गठबंधन, इससे प्यार का विकास संभव है, यही चिंता करना। मतदान करने के पहले यही चिंता करके आप बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले। बीजेपी के साथ तालमेल नीतीश जी का 3.5 साल ही हुआ, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बताया, 18 महीना नीतीश जी आरजेडी के साथ शासन, और उनकी गतिविधियों को देखकर ही
नीतीश बाबू ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, 3 वर्ष ही शासन हुए। इन 3 वर्ष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास में बिजली और सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ना कोई निवेशक निवेश करने आएंगे,